बैक टू माई चैनल आर डी ब्लॉग्स। तो गाइज यार, ये जो स्पॉट है ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे मेरे रील्स बनते हैं, यहाँ पे मेरी वीडियोस बनती हैं, यहाँ पे मेरा सब एक चीज है। गाइज आज जो है, आज हम जो अपनी पुरानी गाड़ी है वो अपने फ्रेंड को देने जा रहे हैं, और क्या प्रोसेस रहता है, कैसा प्रोसेस रहता है सब आपको मैं बताऊंगा। कि कनाडा में आपको गाड़ी लेनी है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक चीज की दुखी है कि नहीं, एक चीज की जो दुखी है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, किस चीज का दुख है, जिस चीज का सुख है वो बताऊंगा। कि कल मेरी सैलरी आने वाली है तो मस्त देखा हम करने वाले सेटिंग सुटिंग अपनी सारी, जितना भी खर्चा खुर्चा हुआ है, जितना भी इसका खर्चा खा लिया है पका के पूरा बढ़िया से, तो देख सकते हो आलू भी सब्जी अपने बनाए, तो चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस बाहर मौसम जो है ठंडा हो चुका है और क्लाउडी है, 3 डिग्री सेल्सियस है। अपनी चमक चलो खड़ी है यहाँ पे, इसका नाम बहुत जल्दी रखेंगे। दो जैकेट लेके जा रहा हूँ, एक पहनी हुई है, तो एक्चुअली वीडियो बनानी थी, वीडियो के लिए एक जैकेट ये वाली जैकेट पहनी है, तो ये जैकेट सोच रहा हूँ खोल दूंगा अभी वीडियो बना के, बाकी गंद देखो बहुत पड़ा हुआ है यार। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेंड के पास, और वो सामने जा रही है रैम की पिका बोलते हैं पिकअप ट्रक को, जो पिकअप जैसे इसुजु डी मैक्स इंडिया में आता है, वी क्रॉस आते हैं, वैसे इसको जो रैम का पिक है, ये रैम एक कंपनी है अलग सी, तो उसका पिक है। और आपको मैं फोर्ड का भी पिक अगर मेरे को आगे दिखेगा, मुझे लगता है मेरे को दिखेगा, तो मैं आपको फोर्ड का पिक भी दिखाऊंगा। टोयोटा का भी पिक्का होता है यहाँ पे, है ना, हीलक्स है, हेलक्स नहीं आता यहाँ पे, कुछ और नाम का आता है, तो बाकी निसान की गाड़ी है। तो गाइज ये है शेवरले का पिक्का है, और मेरे पीछे जो है उसका पिक्का भी आ रहा है, फोर्ड का पिक्का भी आ रहा है, बट वो आगे जा रहा है तो मैं पीछे क्यों आऊं, है ना, तो लेट्स सी आगे चलते हैं। बाकी ये है डॉज का पिक्का, वो सामने जो डॉज का पिक्का जा रहा है, अब मुझे नहीं पता वाइड एंगल में आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट वो देखो डॉज का पिक्का है, तो फोर्ड का पीछे आ रहा है बट वो पीछे रह गया, वो आगे भी जा रहा है फोर्ड का। वो देखो यार BMW की गाड़ी है, सेक्सी, बहुत अच्छी लग रही है। तो उसके आगे उन्होंने ना स्नो रिमूवल सा वो लगाया हुआ आगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये GMC का है, और इसके आगे इन्होंने क्या लगाया हुआ है, स्नो रिमूवल, देखो स्नो रिमूवल लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो वो देखो BMW की कार यार, टेबल है, खुल जाता है यार। और ये आया रैम का, अजीब सा ही कलर है यार ये, नार्डो ग्रे, रैम में कौन लेता है नार्डो, ये सिल्वर है, नार्डो ग्रे है, चलो बढ़िया है। पीछे लिंकन भी है, LINKOLN, इसका नाम लेते बहुत बहुत है। और आगे जा रही विलोस्टर, विलोस्टर ह्यूंडई की गाड़ी है, और यही गाड़ी का मेरे को जो है रिव्यू देना है, वो मैं फ्रेंड के पास जाऊँगा किसी दिन। तो विलोस्टर है ये, तो ये आती है स्पोर्ट्स कार, और ये बहुत महंगी है, लाइक इतने में आपकी मस्टैंग मुस्टैंग आ जाती है, और ये बहुत तेज़ चलती है, और इसमें आपको एग्जॉस्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, स्पिट फायर वाली इसमें ऑप्शन है, स्पोर्ट्स मोड में आप डालोगे, रेस दोगे तो पटाखे मारती गाड़ी है। और इसकी 300 समथिंग कुछ BHP है, सोच लो स्टॉक आती है 300 समथिंग। तो गाड़ी की लुक भी बहुत बेहतरीन है, वाइट कलर में काफ़ी अच्छी है, लाइक मेरे फ्रेंड के पास वाइट कलर है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस एक गाड़ी मैं दिखाता हूँ आपको, मॉडिफाइड है, आगे आना यार, रैप कितना सही लग रहा है यार इसका, तो गाइज वो अपनी गाड़ी खड़ी है, और ये जो दूसरी पुरानी वाली गाड़ी थी ये मैंने सेल आउट कर दी, और अपने फ्रेंड को ही सेल आउट करी है, हर जो होता आपने देखा होगा फ्रेंड उसको किया, और उसका बेचारे का नंबर प्लेट, और ये टायर पड़े थे, कहते मुझे दे, मैंने बोला ले ले और कुछ तो अभी नंबर प्लेट फिट करने वाले हैं इसमें, नंबर प्लेट सही मिला है, 650 मेरा 83 समथिंग है। चलो ये पता नहीं नाट किधर घुमा गया वो यार, कितने रखे है यार। तो गाइज आज अपना जो साथ था इसके साथ इतना ही है, ये गाड़ी जा रही है, एक्चुअली बेच दी मैंने अपने फ्रेंड को ही, वो अपनी ही मुझे लोगों खड़ी है, सही है। तो गाइज अभी गाड़ी शाड़ी दे चुके थे, तो अभी हम जा रहे हैं वॉलमार्ट, एक्चुअली कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग है घर की, ग्रॉसरीज वगैरह,
दूध खत्म हुआ पड़ा था, और भी लेना कुछ, तो जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वॉलमार्ट, तो ये हम पहुंच गए सुपर सेंटर, बढ़िया है। ट्रॉली अग्गे होगी, तो ये वैसे ही है जैसे हम उधर करते हैं ग्रॉसरी बेस्ट प्राइस में, जो जम्मू वालों को पता होगा ना, बट प्राइस ठीक होता है, प्राइस कॉस्टको से मिलती है सही। बाकी वो ट्रॉली लेने जा रहे हैं, कॉस्टको गया मैं, मॉन्ट्रियल गया कॉस्टको, ये खड़ी है पोर्शे, पोर्शे मिल रही थी मैंने 6 मॉडल $3,000 दी। ये देखो सुब्रू खड़ी है, सुब्रू ऐसा नंबर प्लेट होल्डर मंगाया मैं साइड से लगाने वाला। तो भाई शॉपिंग चल रही है, पॉर्क पैक वो ले लिया हमने, पैकेट 7-6 डॉलर टेक्स्ट बुक्स पड़ी है 5-7 में तक का पहुँच जाता है। तो भाई सबसे मेन चीज़ मैंने लिया पानी के क्रेट्स, 2 क्रेट नीचे एक ऊपर, ये रख दूंगा मैं गाड़ी में अपने। तो यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी, लाइक गाड़ी में बैठे हुए बंदा डिक्की में रखा हो ना पानी की बॉटल, तो बंदा निकाल के ले आता है, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है उससे। तो भाई ये देख सकते हो यहाँ पर सारी ना सब्ज़ियाँ हैं, मटर ठीक है अपने यहाँ पर, ब्रोकली सारी चीज़ें हैं। तो ब्रोकली ले ली हमने, थोड़ी अंडे ले लिए, जो वेजिटेरियन है वो ये खाएँगे, नॉन वेजिटेरियन हम जैसे वो मांसाहारी ये खाएंगे। फ्रोज़न फूड्स में ना आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, गार्लिक नान हो गया, परौंठे हो गए, ये सारे फ्रोज़न आप तवे पे रखोगे तो ये खुद बन जाते हैं परौंठे के, परौंठे ना जैसे एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे फोटो में आया हुआ। तो भाई जो भी आपने मशीन देखा उसमें से एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक आपको ग्लास में नहीं मिलता, आपको ग्लास दे देते हैं और वहाँ से अपने जितना अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक है जितना मर्जी पी सकते हो, कितना ही पिएगा बंदा, 2 ग्लास 3 ग्लास मैक्सिमम कितना भी लेगा, 4 बहुत बड़ा ग्लास होता है ना, ये भी इन्होंने अच्छा स्कीम लगाया है। या